तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में बिजली वाला कौशिक। तो आज हम लोगों का टॉपिक है ग्राइंडिंग व्हील कैसे चेंज किया जाता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये हमारा दो व्हील है, 200 mm इंटू 25 mm का व्हील है। दोनों व्हील को हम लोग चेंज करेंगे आज। ये देखिए दूसरा व्हील, ये 1 HP का 3-phase ग्राइंडिंग मशीन है। चलिए शुरू करते हैं, इसको खोलते हैं। सबसे पहले इसका कवर खोल लेते हैं। 7 नंबर का रेंज लगता है, हम प्लास से खोल रहे हैं। तीन बोल्ट रहते हैं कवर में, तीनों बोल्ट हम खोल लिए हैं। अब दूसरा वाला कवर खोल लेते हैं। दूसरा वाला भी खुल गया है। अब इसका व्हील डिस्क निकालते हैं खोल करके। ये हमने चाबी ले लिया, 2 26 नंबर का पाना लगता है खोलने में। ये खुल गया। मैं डिस्क को बाहर निकाल लिया, ये थोड़ा जाम है, इसको ठोक के निकाल लेंगे। निकल गया, देखिए ये डिस्क खा गया है, खराब हो गया बहुत। ये मोटा पत्थर है, डायना साइड में हमेशा मोटा पत्थर का व्हील लगता है। मोटा पत्थर वाला व्हील हम लोग ले लेंगे। ये पतला वाला है, ये मोटा वाला व्हील राइट साइड में लगेगा। पहले इसको लगा लेंगे। अब इस बोल को पूरा टाइट कर लेंगे रेंच से। ये बोल्ट हमने टाइट कर लिए हैं। अब इसमें क्या करना है, एक चेक नट लगाना है। इस चेक नट को हम लोग पहले टाइट कर लेंगे इसके साथ, ताकि उसको खोलने के टाइम ये लूज ना हो जाए। तो दोस्तों, अब ये वाला व्हील हम लोग खोलेंगे। उधर में चेक नट लगा दिया और ये देखिए लूज हो गया। ये खुल रहा है। इसका दोस्तों उल्टा थ्रेड रहता है, डायना साइड वाला सीधा रहता है, बाया साइड वाला उल्टा रहता है, इसलिए हमने चेक नट लगा दिया था कि उधर वाला लूज ना हो जाए।
अब ये व्हील का डिस्क हम लोग निकाल लेगा। ये दोनों साइड का निकल गया, अब नया वाला में लगा देना है। ये फंस गया, दोनों तरफ से बढ़िया से फंस गया है। अब इसको सेटिंग करना है। ये आ गया जगह पे, अब इसका नट डालना है। वह चेक नल लगा है तो हम लोग आसानी से टाइट कर सकता है। ये पूरा टाइट हो गया, अब चेक नट खोल लेना है उधर वाला। अब हम लोग इसको चालू करके देखेंगे। हाँ देख लीजिए दोस्तों, बढ़िया से चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। हम थोड़ा सा इसको घिस के देख ले रहे हैं। तो अभी इसका कवर हम दोनों साइड का लगा दिए हैं, देख लीजिए बढ़िया से लगा दिया है। अब इसको चालू करके थोड़ा देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा घिस के देख ले रहे हैं, हाँ ठीक है। दोस्तों ये 1 HP का है, 0.75 kW का 3 phase का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।